फोर्ट आर्थर एक हिस्टोरिक साइट है जो कि 1800 अराउंड 1800 के टाइम्स में एक ये जेल थी। बट जोक्स अपार्ट स्टिल वेरी क्रूअल। अब उसके बाद हमारी है क्रूज जो कि आई थिंक 30 मिनट्स की क्रूज है। ओके आफ्टर द क्रूज विल सी यू अगेन। हिस्टोरिक साइट टन उसके बाद हम निकले, सोचे कि सिर्फ एक लुकआउट में जाएंगे। नाम था रिमार्केबल केबल केव्स। सिर्फ लुकआउट होगा, ऐसे झांकेंगे और झांक के वापस होटल चले जाएंगे कि हमने होटल की चाबी अभी ले ली है। यहाँ के पता चला रिमार्केबल केव्स के लिए भी अभी तो 15 मिनट की स्टीप डाउन हिल फिर से है। ये रही बट लेकिन सिर्फ 15 मिनट है, जाके नीचे देखते हैं कैसा है क्या है। उसके बाद शायद एक और है वो आके बताएंगे, अभी नहीं। थाड़ा रिमार्केबल केव्स अभी तो ऊपर है, पता नहीं नीचे और क्या होगा। नीचे तो आ गए हैं टू गो टूवर्ड्स द केव। आई थिंक हम ये अब केव क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हैं हम रिमार्केबल केव्स के अंदर। पानी आ रहा है। The cave and this cave is अब सच में ज़्यादा ही कुछ हो रही है गड़बड़। तो मैं एक बार ही देख के आता हूँ अंदर है क्या, कोई जानवर कंगारू ना मिले भाई, बस नहीं दिख रहा इधर साइड। तो दिस इज पिच ब्लैक, आई वोंट गो देयर एंड आई एम गोइंग आउट। नीचे जाके इस वाले केव में बात किसी को बताना नहीं है, अलाउड नहीं है नीचे जाना, लेकिन हम जाके आए चोरी चोरी चुपके चुपके, सपोज टू बी हियर बट या जस्ट फॉर यू गाइस, जस्ट फॉर यू मेक इट वर्थ। रिमार्केबल केव डन। फिर से हमने एक छोटा सा डिसीजन ले लिया है। 45 मिनट्स की रिटर्न एक वॉक है। आई थिंक लुकआउट थोड़ा क्रेजी सा एपिक होने वाला है, तो सोचा गया है कि चलते हैं। पीछे आप देख ही सकते हो ब्यूटीफुल है, सिर्फ समुंदर पर समुंदर आइलैंड में अलग है। हाँ, ऑब्वियसली आइलैंड में समुंदर ही मेन होता है, लेकिन समुंदर को अलग अलग जगहों से देखना विद अलग अलग ब्यूटी एपिक इज डिफरेंट। तो अभी देखते हैं 45 मिनट्स की ट्रैक क्या है। यस सो शो यू अराउंड फ्रॉम देयर। बाय। हे ये मेन गॉन लुकआउट 45 मिनट्स रिटर्न। मेन गॉन लुकआउट की ट्रैक का रास्ता ऐसा है, सामने भी समुंदर पाछे भी समुंदर, तो मतलब समुंदर ही समुंदर।
वो बहुत दूर हो गया भाई, वो देख, वो दिख रहा है जो उधर जाना है। मेन गॉन लुकआउट तो देख लिया आपने, उतना एपिक था नहीं क्योंकि सन एकदम मुंह के सामने, अगर सनसेट हो रहा होता तो शायद अलग ही होता। तो हमने एक फिर से एक गंदा सा डिसीजन ले लिया है, तो डेढ़ घंटे वाला रिटर्न था, अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट यू नेवर नो हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं। थोड़ा आगे जाके देख कि करना क्या है। स्टीप पे तो वापस नहीं, नहीं स्टीप होता तो वापस हो जाता भाई एकदम इमीडिएटली। रिकॉर्डिंग यस रिकॉर्डिंग ओके। तो पोर्ट आर्थर डे 5 की समाप्ति, आज हम गए जेल के बाद हम निकल के गए केव के बाद निकल के किया हमने वही जो आजकल हम कर रहे हैं रोज लगातार डेली एवरी डे द डैम ट्रैकिंग। सो केव गए, केव में भी कूद के नीचे जाना, एंड देन वी स्टार्टेड जस्ट फॉर 45 मिनट्स की ट्रैक करेंगे सोच के, बट वी एंड अप डूइंग 2 घंटे की आना जाना रिटर्न, बट इट वॉज वर्थ अगेन क्लिफ्स एंड ऑल। सो आई थिंक या एंड नाउ वी विल गो बैक टू आवर होटल जो कि है पोर्ट आर्थर में, वहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट खुला हुआ है 8 बजे तक, तो विल ईट एंड विल स्लीप एंड सी यू टुमारो विद न्यू डेस्टिनेशन एंड डे 6 ऑफ दिस रोड ट्रिप। वेट, व्हाई वेट, व्हाई यू ऑलवेज फॉरगेट टू से, दैट्स योर लाइन नॉट माइन। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, प्लीज गो एंड स्टे ट्यून्ड। लाइक सब्सक्राइब सबके सब करो, मेहनत लग रही है तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर चाहिए। हेलो, हमारी ट्रैकिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है तो हमारी थकान को ही लाइक दे दो यार। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट, चीयर्स।